हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज का जो वीडियो है ये, इसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये वीडियो है इस बार के फुल मून के लिए, क्योंकि ये फुल मून बहुत कुछ देने वाला है आप लोगों को। इस कम्प्लीटली लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, डेफिनेटली पॉजिटिवली आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, यूनियन, लव, रोमांस एंड एवरीथिंग। तो इन शॉर्ट, ये जो फुल मून 14th को आ रहा है, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। ये फुल मून बहुत ही चमत्कारी है, बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है। अब मैं इतना क्यों प्रेज कर रही हूँ, क्योंकि ये सच है कि ये जो फुल मून है, ये बहुत सारा आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा, और बहुत कुछ बेसिकली ये लव रिलेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब फुल मून है। द लॉजिक बिहाइंड दिस कि क्यों ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज इस बार जो फुल मून है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जीज इसकी हैं। बट क्यों? बिकॉज ऐसा समझ में आ रहा है कि इस वक्त ये जो फुल मून होगा, मून और अर्थ बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज़र होंगे, बहुत ही ज़्यादा करीब होंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि उस दिन जो मैंने चैनलिंग की थी इंस्टेंट, कि इसका इफ़ेक्ट सबके अंदर होने वाला है, ठीक है? तो उसके पहले कई लोगों को इसकी एनर्जीज 11th से ही शुरू हो गई थी, 12th से ही शुरू हो गई थी, और आप लोग की कई सारे काउंसलिंग भी आई थी कि मैम जैसे आपने बताया है उसी प्रकार से हो रहा, क्योंकि पहले सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी रिलीज़ करना ज़रूरी थी। देखिए, जो फुल मून होता है इसमें आपके सप्रेस इमोशंस रिलीज होते हैं, ठीक है? बट ये जो फुल मून है, ये डेफिनेटली जब तक आपके सप्रेस इमोशन रिलीज नहीं होंगे, जब आप वो जगह खाली नहीं करोगे, तब तक कैसे कोई एक खूबसूरत रिश्ता, प्यार, लव रिलेशन मैनिफेस्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। तो बहुत से लोगों के टॉक्सिन्स इस फुल मून के पहले ही रिलीज हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि अगर या तो जैसे मैंने 12th को चैनलिंग की थी, तो आप आज कोई भी सपोज़ कोई हैवी एनर्जी या एक्सप्लोजन या कुछ ट्रिगर फील कर रहे हो, तो आगे आने वाले एक दो दिन आपको ये फील हो सकते हैं, अगर नहीं हुए तो, बिकॉज पहले क्लेंजिंग करनी थी, राइट? आपकी क्लेंजिंग, पहले वो जगह खाली करनी है जहाँ पर बहुत सारा मिरेकल, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा प्यार भरना है आपकी ज़िंदगी में। तो जिन जिन लोगों ने अभी ये फुल मून आने के पहले ही बवाल अगर झेला है, या टॉक्सिसिटीज़ का सामना किया है, या नेगेटिविटी का सामना किया है, तो निराश मत होइए, वो जगह से आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो गई है, वो जगह आपको क्लेंस करनी है अपने। दैट इज़ द रीज़न मैंने कहा था कि आप लोग एनर्जी क्लियरिंग करिए, नेगेटिव एनर्जी क्लियरिंग करिए, और आप फील क्लियरिंग करिए, क्योंकि मैं हर चीज़ ऐवे ही नहीं बोलती तो, और सप्रेस इमोशंस रिलीज़ करिए, क्योंकि हम पहले तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे दिवाली आती है तो हम लोग माता लक्ष्मी के आने के पहले घर की सफाई करते हैं। तो जो हमारी लाइफ में लव मैनिफेस्ट होने वाला है, उसके पहले वो जगह की सफाई तो करिए। तो आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने कल मुझसे सप्रेस इमोशंस रिवायरिंग मेडिटेशन लिया, एनर्जी क्लियरिंग भी लिया, और फील क्लियरिंग भी लिया, और काफ़ी लोगों की लगता है सफाइयाँ हुई हैं और जो लोग ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं, वो सिर्फ लेके रखना नहीं है, करना है। क्योंकि मुझे काउंसलिंग में बताते हैं, मैम आपका पूरा इनर वर्क तो लिया हुआ है, बट टाइम के कारण से मैं कर नहीं पाती, तो कोई ऐसा एक्सक्यूज़ चलने वाला नहीं है। इनर वर्क लेके रखने के लिए नहीं है, करने के लिए, राइट? चलिए, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसे थोड़ा सा आप लोगों को छेड़ लेती हूँ, ठीक है? ओके, सो बिकॉज यस, ये जो फुल मून है, ये बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है, आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाने वाला है, स्पेशली लव रिलेशंस, ठीक है? अब जहाँ मैं बात कर रही हूँ कि हमें 14 को क्या करना है, तो आप लोग इस वक्त देखोगे कि हर जगह जो जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें होती हैं, वहाँ बहुत सारी आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सही है, करना चाहिए।
ट्विन फ्लेम्स में अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने अपनी आत्मा को प्योर कर लिया है, आपको ये पता है कि मैं अब अवेकेंड हो चुकी हूँ, आई एम ऑपरेटिंग विद द अपर चक्रास, मेरा अलाइनमेंट गॉड से हो गया है, पर अभी यूनियन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में 14 को कर सकते हो, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ पॉलिशिंग, ठीक है। आपकी डेस्टिनी थोड़ी सी लाइक यू आर पॉलिशिंग योर डेस्टिनी, आप इसको ऐसे मान सकते हो। पर जब तक आप अपनी कंप्लीट सोल का प्योरिफिकेशन नहीं करोगे, अपने ब्लॉकेज हील नहीं करोगे, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक ट्विन फ्लेम्स में काम नहीं करेगी, ठीक है। यू कैन ओनली स्पीड अप योर प्रोसेस और पॉलिशिंग योर प्रोसेस और योर डेस्टिनी अगर आपको ये श्योर है कि हाँ मैंने काफ़ी मेहनत कर ली है, मैं प्योर सोल बन चुकी हूँ, बट थोड़ी सी डिले हो रही है मेरी यूनियन में या रीयूनियन में, तो आप पॉलिशिंग के लिए, आप अपनी डेस्टिनी को और एनहांस करने के लिए 14 को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लिटरली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी वाला ये फुल मून आपका रहेगा, ठीक है। आप देख लीजिए कि इसके आने के पहले कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी, कितनी सारी क्लेंजिंग हो रही थी, ठीक है। चलिए, क्या क्या टेक्निक्स करनी है ये भी मैं बताऊंगी इस बार, क्योंकि आई एम सुपर एक्साइटेड। उसके पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए भी जो कि इस वक्त एक टॉक्सिक रिलेशन से गुजर रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो, ठीक है, या आप बहुत से लोग के जो ट्विन्स होते हैं, राइट, वो आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको डोमिनेट करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। देखिए, जिनके ट्विन्स टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, उनका तो फॉर श्योर है कि कहीं ना कहीं आप भी अपना मैनिपुलेशन, आप भी मैनिपुलेटिव होगे, आप भी बहुत डिसऑर्डर होगे, आप भी ओवर स्मार्टनेस दिखाते होगे, आप भी, ठीक है, ट्विन्स से नहीं तो किसी और के साथ ओवर स्मार्टनेस दिखाते होगे। अगर आपके ट्विन टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव है, तो कहीं ना कहीं आप भी फॉर श्योर प्योर नहीं हो। तो पहले तो आपको अपनी प्योरिटी को हील करना है, ठीक है। उसके बाद इन शॉर्ट कि अगर सारी सो आप में से कुछ लोगों के रिलेशंस टॉक्सिक हैं और इस कारण से आपकी एनर्जी बार बार लो हो जाती है, आप ड्रेन हो जाते हो और आप अपनी जर्नी पे इसीलिए स्टक हो क्योंकि आपकी एनर्जी जो टॉक्सिक जो लोग होते हैं आपकी एनर्जी बार बार ड्रेन कर देते हो, आपकी सोल को एलिवेट नहीं होने दे रहे हैं, तो पहले तो हमको अपनी इस रिचुअल को, इस फुल मून पे इस रिचुअल को करने से पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक कि इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिंग द स्पेस, न्यू मैनिफेस्टेशन कांट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल कि आपके फ़ोन की जो कैमरे की जो मेमोरी होती है पूरी लाइक भरी हुई होती है, तो आप न्यू जो फोटोज़ है उनको सेव नहीं कर सकते, राइट। तो यू हैव टू डिलीट द ओल्ड फोटोग्राफ्स, ठीक है, या अननेसेसरी फोटोग्राफ्स जो होती है, ही ना। आप लोग सेल्फी लेते हो तो बहुत सारे पोज मारते हो, तो उसमें से एक आधी अच्छी होती है, बाकी सब फालतू की वेस्ट होती है, है ना। ओके, तो जो अननेसेसरी फोटोग्राफ्स आप लोग डिलीट कर देते हो। इसी प्रकार से अननेसेसरी कनेक्शंस, रिलेशंस या अननेसेसरी एनर्जीज जो आपको नहीं सर्व कर रही हैं, उनको पहले रिलीज करना है। तो ये पहले हमको उन चीज़ों से ये क्लेंजिंग करनी है, देन ओनली योर मैनिफेस्टेशन विल वर्क ऑन 14th। टॉक्सिक रिलेशन के अलावा कुछ ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि मे बी कुछ पैटर्न्स को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। मे बी कुछ ऐसी स्टैग्नेशन आपकी एनर्जी आपकी है, सपोज़ कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी जॉब और उसको आप छोड़ नहीं रहे हो, आपको वहाँ पर मन नहीं लग रहा है, आप उस जॉब से अलाइन नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, यू वॉन्ट टू लीव दैट जॉब, बट आपका ब्रेन अलाउ नहीं, आपकी सोल कह रही छोड़ दो, बट आपका ब्रेन कह रहा नहीं, मुझे पता नहीं आगे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, या कोई एग्ज़ाम है जो आपको उसकी तैयारी करने का मन ही नहीं कर रहा है, फॉर्म भर दिया, खूब सारे पैसे लगा दिए, अब पढ़ाई तो करनी पड़ रही ज़बरदस्ती के, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, मुझे नहीं देना ये एग्ज़ाम। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर कि हम अपने ब्रेन, आपका ब्रेन आपकी सोल के ऊपर ओवर पावर हो जाता है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसी रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी के होते हैं जो कि हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, कि एक अनहैप्पी मैरिज को ज़बरदस्ती के आप आगे चलाए हुए हो, ठीक है, एक मैरिज में हो जहाँ पर कि बच्चों के कारण से आप उस मैरिज को अननेसेसरी सर्व कर रहे हो, जो को कुछ नहीं दे रहा है,
ठीक है। तो इस प्रकार के सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस, स्टैग्नेशंस, पैटर्न्स, ओल्ड पैटर्न्स को अगर के अगेंस्ट आप स्टैंड नहीं लोगे और ऐसी एनर्जीज को आप रिलीज नहीं करोगे इस टाइम पे, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ भी मैनिफेस्टेशन आपका काम ही नहीं करेगा, बिकॉज आप वैसे भी अंदर से लो ही लो वाइब्रेशन में हो, तो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी चीज़ लो वाइब्रेशन में मैनिफेस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल, इनफैक्ट हर फुल मून में अगर कोई आप कुछ करते भी हो, सेकंड रिचुअल करते भी हो, तो फर्स्ट यू शुड रिलीज द ओल्ड एनर्जीज दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल नहीं है, ना ही मैं इसकी बातें करती हूँ, पर जितनी बात करती हूँ बिल्कुल 100% करती हूँ। आई वॉन्ट कि अगर लिटरली यू आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर योर मैनिफेस्टेशन, देन वो प्रॉपरली होना चाहिए। बिना ओल्ड एनर्जीज को रिलीज किए कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, देन आपके सारे रिचुअल वेस्ट हो जाएंगे। तो आई डोंट वॉन्ट कि जो भी आप एफर्ट लगाओ वो वेस्ट हो। सो फर्स्ट मेक श्योर कि हमने सारी ओल्ड एनर्जीज को रिलीज किया कि नहीं किया, ओल्ड स्टैग्नेंट एनर्जी को रिलीज किया कि नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज बात करने वाली हूँ, पहले तो टॉक्सिक रिलेशन के बारे में, कि जो टॉक्सिक रिलेशन में है और जिनके कारण से वो लाइफ टाइम अपनी एनर्जीज को रिलीज ही नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है कि सपोज़ कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ही टॉक्सिक है, ठीक है, या मेरा डीएम टॉक्सिक है, जिसके कारण से बार बार मैं उसकी लो एनर्जी को पिक करती रहती हूँ और ड्रेन होती रहती हूँ और मेरी तो जर्नी स्टक ही रह जाएगी। तो आपको मैं बताती हूँ एक बहुत ही ब्यूटिफुल मेडिटेशन एंड प्रेयर, प्रेयर ऑफ द सेंट एक्सपेडाइट, वो आप करिए, ठीक है। आप उनकी प्रेयर करिए सेंट एक्सपेडाइट की, गूगल पे बहुत मिलेगी बट जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं मिलेगी। सेंट एक्सपेडाइट जो हैं वो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, ठीक है। आज के रिचुअल में भी उनको आप यूज़ कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, बट ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये आपको गूगल में नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ सेंट एक्सपेडाइट को बुलाना है पूरे आदर सम्मान के साथ, जैसे आप आर्कएंजल माइकल को बुलाते हैं, ठीक है, उनको बुलाना है, उनकी उनको अप्रिशिएट करना है, उनकी पावर, उनकी ग्लोरी के लिए उनको अप्रिशिएट करना है। गूगल पर सर्च करिए उनके बारे में, जस्ट नो अबाउट हिम कि वो कौन है, उनकी पावर क्या है, उनकी पावर्स को, उनकी ग्लोरी को समझिए, अप्रिशिएट करिए पहले, एंड देन रिक्वेस्ट करिए कि जो स्पेसिफिक पर्सन है जो कि आपकी एनर्जी को हमेशा ड्रेन करता है, जो टॉक्सिक है, ठीक है, उनके साथ मेरा जो भी कॉर्ड है वो कट कर दीजिए और परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको विजुलाइज करना है कि वो आपकी कॉर्ड को उस स्पेसिफिक इंसान के साथ जो टॉक्सिक है और मैनिपुलेटिव है, वो कॉर्ड कट कर रहे हैं और परमानेंटली ब्लॉक कर रहे हैं, और उनको थैंक्स बोलिए, ठीक है। और इसके बाद आपका ये रिचुअल ओवर हो जाता है। देखिए, कॉर्ड कट करने से कॉर्ड फिर जुड़ जाती है, कॉर्ड प्लकिंग जो होती है इट इज़ वेरी पेनफुल, ठीक है। तो आपको कहीं भी कोई ये गाइड नहीं करेगा कि कोई ऐसा इंसान जो कि टॉक्सिक है, जिसकी एनर्जी आप सर्व नहीं कर रहे हो, वो बार बार आपको कॉर्ड आपकी जोड़ देता है। आपने कट भी कर लिया, वो फिर जोड़ लेगा। एक एक थॉट आपने सोचा उनका, वो कॉर्ड फिर जुड़ गई। एक बार उनका फ़ोन कहीं से आ गया, फिर कॉर्ड जुड़ गई। आपने डीपी ही उनकी देख ली और फिर जुड़ गई। और डीपी क्यों देखी? क्योंकि वहाँ से वो आपको कॉर्ड फेंक रहे हैं। आप लोग डीपी जो चेस करते हो ना, वो आप लोग की गलती नहीं होती है, वहाँ से वो टेलीपैथिक कॉर्ड फेंकते हैं आपको। तो इसीलिए आप उनकी डीपी को चेस करते हो, क्योंकि आपको उनकी याद, उनकी एनर्जी पिक हो रही है। तो दैट्स द गेम कि आप बार बार कॉर्ड कट करते हो, वो फिर आप चेजिंग की एनर्जी पहुँच जाते हो। इतने लोगों ने इस बार डीएम को चेज किया है बिफोर दिस फुल मून, तो मुझे लगा कि इट्स द राइट टाइम टू गाइड यू कि कॉर्ड को सिर्फ कट नहीं करना है, ब्लॉक कर देना है। एक बार आपने कॉर्ड को कट कर दिया और ब्लॉक कर दिया, फिर वो इंसान आपको टेलीपैथिक अगर मैसेज भेजेगा भी ना, तो इस लाइक कि आई हैव ब्लॉक्ड यू फ्रॉम माय नंबर, फ्रॉम माय कॉलिंग नंबर, लाइक दिस, ठीक है। तो इस प्रकार की, और ये चीज़ अगर आप बार बार करोगे तो और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जो भी इंसान आपकी जर्नी पे स्टक बना हुआ है, आपकी एनर्जी को कॉन्स्टेंटली ड्रेन कर रहा है, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, या आपके घर के और भी लोग हो, फ्रेंड्स हो, बॉस हो, जो भी हो,
ठीक है ना। ऐसे रिश्ते को या तो आप आइदर उससे आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि कैसे हम एक शादी को छोड़ दें, क्यों नहीं छोड़ सकते हैं हम, क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, क्यों नहीं हम यहाँ पर पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए आए, अगर हम अपने लिए स्टैंड ना ले पाए तो क्या फ़ायदा। जो ज़िंदगी, जो इंसान सिर्फ आपको दुख दे रहा है, तो यू हैव राइट टू लिव। ये अर्थ प्लैनेट तब ब्यूटीफुल है जब आप इस प्लैनेट को एंजॉय करोगे, और एंजॉय करने के लिए यू शुड लर्न टू ब्रेक द पैटर्न्स, यू शुड लर्न टू ब्रेक द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोसाइटी एंड डू सेल्फ लव, ठीक है ना। चलिए खैर, तो इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि टॉक्सिक लोगों से भी आप अपने कनेक्शन को किस प्रकार से बचा सकते हो, और फिर उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं है कि वो टेलीपैथिक कॉर्ड्स आपको भेजकर आपकी एनर्जी को ड्रेन करें। जस्ट रिमूव एंड ब्लॉक, राइट। सेंट एक्सपेडाइट को आप उनका आह्वान करिए, चाहे आप कैंडल जला के उनका आह्वान करिए, चाहे जैसे भी है उनको विजुलाइज करके आह्वान करिए, ठीक है। बट ये करिए और जस्ट कट योर कॉर्ड्स, ठीक है। उनको रिक्वेस्ट करिए कि कॉर्ड कट करें और आपकी कॉर्ड्स को सब परमानेंटली ब्लॉक कर दें। दैट्स इट। आपको बिल्कुल एनर्जी उनकी फील नहीं होगी, वो आप देखना कुछ दिनों में आप इतने हाई वाइब्रेशन में बिल्कुल उड़ने लगोगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गई, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब मैं जल्दी जल्दी बात करती हूँ इस फुल मून पर मैनिफेस्टेशन करने की। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो अबाउट द बे लीफ मैनिफेस्टेशंस, आप लोग जानते हो कैंडल बर्निंग, कैंडल बर्न करिए उस दिन, ठीक है। और हाँ, अब इस पे अगेन हम लोग रिचुअल में मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ इस बार कि अगर आप लोग रेड कलर की कैंडल बर्न करते हो या पिंक कलर की कैंडल बर्न करते हो, ये स्पेशली फॉर द लव एंड रिलेशंस, क्योंकि ये जो फुल मून आया है ये स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो आप ये कैंडल बर्न कर सकते हो, और कैंडल को बर्न करके पहले आप बेलीफ कर सकते हो मैनिफेस्टेशन, कि उसमें आपने अपने रेड पैन से अपने लव को लिखा, लव का नाम लिखा, या आपने अपने करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट किया है तो आप मनी को और स्पेसिफिक अमाउंट को ब्लू पेन से लिख सकते हो या ग्रीन पेन से लिख सकते हो। इस प्रकार से आपने बेलीफ का मैनिफेस्टेशन किया, और उसी कैंडल से वाइट कैंडल जला लीजिए, रेड कैंडल जला लीजिए, पिंक जला लीजिए, और उस किसी भी एक कैंडल से बर्न करके उसकी जो एशेस को यूनिवर्स में थ्रो कर दीजिए। पहला ये है। अब वो कैंडल बर्न जो हो रही है उसको कहीं बुझाते नहीं है, बुझाइए मत, उसमें अगेन सेंट एक्सपेडाइट को विजुलाइज करिए, उनको इवोक करिए, उनको वेलकम करिए, उनको अप्रिशिएट करिए, अप्रिशिएट हिज ग्लोरी। एंड जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की यूनियन के लिए मांगे, आप उसके लिए मांग सकते हैं। अगर आपने रेड कैंडल जलाई है, पिंक कैंडल जलाई है, कुछ नहीं है तो वाइट कैंडल जलाकर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप अपने यूनियन के लिए मांग सकते हो, बट अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोग को अपना कर्मा करना छोड़ना नहीं है, अपना इनर वर्क करना छोड़ना नहीं है, अपनी प्योरिटी को मेनटेन करना छोड़ना नहीं है। सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्पेशली जो लोग ग्रोथ, जॉब, सक्सेस, एग्ज़ाम क्रैक करना है अच्छे परसेंटेज के लिए, या कोई ऐसा पुराना अटका हुआ पैसा जो वापस नहीं मिला है आपका, कहीं आपने इन्वेस्ट किया वो पैसा फंस गया है आपका, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो इन सब को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो पूरा करने का, और पूरे विश्वास के साथ कि जो मैंने सेंट एक्सपेडाइट से मांगा है वो उन्होंने सुना है और वो बिल्कुल पूरा हो रहा है। बिल्कुल फील करते हो कि बिल्कुल पूरा हो रहा है, एंड आप यू आर अचीविंग द सक्सेस, यू आर अचीविंग द ग्रोथ इन योर कैरियर। आपका जहाँ पैसा था वो जहाँ पैसा आपका इन्वेस्टेड था वो आपको वापस मिल रहा है। कभी मत कहिए फंसा हुआ है, फंसा इज द लो वाइब्रेशन एनर्जी, और वे से इन्वेस्टेड है, जहाँ आपका पैसा इन्वेस्टेड है वो आपको वापस मिल रहा है। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोगों का इसलिए होता है कि दे आर नॉट केयरफुल फॉर द वर्ड्स। कभी मत कहिए कि मेरा पैसा कहीं फंस गया, इस टाइप के टर्म्स मत यूज़ करिए। इन्वेस्टेड, जहाँ इन्वेस्टेड है वहाँ से मुझे वापस मिल रहा है, लाइक दिस। सो यू शुड वेरी केयरफुल फॉर योर वर्ड्स, वेरी केयरफुल फॉर योर इमोशंस, योर वाइब्रेशन, योर एवरीथिंग,
ठीक है ना, तो और पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे फेथ के साथ इस मेडिटेशन को करिए, ठीक है। कोई आपका एलओए इस फुल मून को रोक नहीं सकता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई नहीं, मून वाटर थेरेपी जरूर करिए, क्योंकि इस बार का फुल मून बहुत पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है। बिल्कुल आप जैसे हर बार करते होंगे, आई थिंक आप किसी ग्लास में, कांच के ग्लास में या किसी भी बॉटल में उस पानी को रख दीजिए, नाइट में रखिए, 8 बजे के बाद उस पानी को फुल मून के नीचे रखिए, कुछ देर रखिए, पूरी रात रखिए, एज यू विश, राइट। और उसके बाद या तो उस दिन या अगले दिन उस पानी को पी लीजिए, और यस, उसमें अपनी अफर्मेशंस डालने के बाद, तो दिस इज़ अनदर रिचुअल कि आप पहले उस वाटर में अफर्मेशन डाल दीजिए फॉर एवरीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, वो भी करके, और उसके बाद आप उसको रख दीजिए नीचे, आप मून लाइट में नीचे रख दीजिए, अपने घर के बाहर, टेरेस में, गार्डन में, वेर एवर, और बाद में उस पानी को कोशिश करिए कि आप पूरे घर में उसको थोड़ा सा डाल दें, जो भी नेगेटिविटी कलेक्ट हुई है उस दिन वो सब घर से भाग जाएगी आपकी, मतलब यू नो, फॉर द ग्रोथ एंड द मैनिफेस्टेशन सक्सेस, हमें पहले अपने घर की भी क्लेंजिंग करनी है, ठीक है। तो क्योंकि उस रात थोड़ी नेगेटिविटी भी रहती है कभी, तो वो सारी नेगेटिविटी आपके घर से निकल जाएगी, आप भी पॉजिटिव, आपका घर भी पॉजिटिव, तो फिर सब कुछ होना भी पॉजिटिव है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।